सो यहाँ पे हम बात करेंगे रिजनरेशन इन रैंकाइन साइकिल। रिजनरेशन हमने देखा था बेटन साइकिल में, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारी टर्बाइन से एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही थी उनका यूज हम कर रहे थे कंप्रेसर से निकलने वाली एयर को हीट देने के लिए। हम वेस्टेज का यूज कर रहे थे कंप्रेस्ड एयर को हीट देने में। यहाँ हम रिजनरेशन में क्या करेंगे, जो भी हमारी स्टीम एक्सपेंड हो रही टर्बाइन में उसमें हम कुछ पार्ट उसको निकाल लेंगे और उसका यूज हम करेंगे फीड वाटर को हीट देने में। इसको समझते हैं हम स्ट्रक्चर डायग्राम से। तो देखें पहले हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा बॉयलर होता है। बॉयलर के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टरबाइन। एंड टरबाइन के बाद हमारा कंडेंसर। कंडेंसर के बाद हमारा यहाँ पे पंप लगा देते हैं एंड पंप से हमारा फिर से ये बॉयलर में चला जाता है। तो ये जो हमारा वाटर जाता है इसको क्या बोलते हैं, फीड वाटर। ये हमारी जो सिंपल रैंकाइन साइकिल होती है उसका स्ट्रक्चर डायग्राम है। फीड वाटर बॉयलर में जाता है, बॉयलर के बाद इसको हीट मिलती है, यहाँ से फिर ये टर्बाइन में जाता है, टर्बाइन के बाद कंडेंसर में, कंडेंसर के बाद पंप। ये स्ट्रक्चर डायग्राम है सिंपल रैंकाइन साइकिल का। रीजनरेशन में हम करते क्या हैं, जो हमारी ये टर्बाइन होती है तो टर्बाइन से हम कुछ स्टीम को निकाल लेते हैं। रीजनरेशन के केस में होता क्या है, हमारा बॉयलर तो सेम होता है, ये हमारा बॉयलर हो गया, इसके बाद हमारी टर्बाइन एंड देन कंडेंसर। इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे पंप नहीं लगाते, हम क्या करते हैं टरबाइन से कुछ पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा एक हीटर लगा होता है। हीटर कुछ नहीं, एक हीट एक्सचेंजर होता है। उसमें होता क्या है, जो भी टरबाइन से हमारी स्टीम आ रही है उस स्टीम का यूज़ क्या करते हैं, जो भी फीड वाटर होता है उसको हीट करने के लिए, मीन्स ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा। ये हमारा फीड वाटर है एंड ये हमारी स्टीम है। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स होंगे आपस में और ये फिर वापस चला जाएगा। यहाँ पे हम पंप लगाते हैं और अब होता क्या, ये जो हमारा टर्बाइन से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं इसका प्रेशर डिफरेंट होता है और इसका प्रेशर डिफरेंट होता है। तो इसको हम या तो हम एक पंप लगा के इसका प्रेशर इक्वल कर देते हैं। तो हम बात करेंगे जब हम टाइप्स देखेंगे, मतलब क्या है, हम टर्बाइन से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करके उसका यूज हम फीड वाटर को हीट करने में करते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, रीजनरेशन। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं फीड वाटर हीटर। देखें हमारा रीजनरेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब यही है कि जो फीड वाटर है उसको हमको हीट देना है। तो हीट देने के लिए हम, जैसे मान ले अगर टर्बाइन में टोटल 100 यूनिट एक्सपेंड हो रही है तो उस 100 में से हम पूरा 100 को एक्सपेंड होने देते हैं कुछ प्रेशर तक, और कुछ प्रेशर के बाद हम उसमें से 5 यूनिट या 10 यूनिट विथड्रॉ कर लेते हैं। उस 5 और 10 यूनिट का हम यूज़ करते हैं फीड वाटर को हीट करने में। ये फीड वाटर है तो यहाँ से अगर मान लें टोटल 100 गई थी तो 100 में से यहाँ तक तो पूरा एक्सपेंशन होता है 100 का, लेकिन यहाँ के बाद क्या होता है 15 को हम क्या करते हैं फीड वाटर में भेज देते हैं और 85 को हम भेज देते हैं कहाँ पे, कंडेंसर पे। तो ये जो कंडेंसर पे जाएगी तो ये 85 का तो पूरा हमारा टर्बाइन पे एक्सपेंशन होगा, उसके बाद कंडेंसर पे जाएगी, लेकिन 15 का एक्सपेंशन आधा ही होगा, आधे के बाद नहीं होगा, आधा मीन्स कुछ पॉइंट पे कुछ प्रेशर तक। तो इसका यूज़ फिर हम क्या करेंगे फीड वाटर को हीट करने में, और ये कंडेंसर से होते हुए फिर से ये यहाँ पे जाके फीड वाटर से मिलेगा और ये बॉयलर में जाएगा। तो ये हमारा रीजनरेशन होता है। अब जैसे दो केस होते हैं, एक आइडियल रीजनरेशन होता है। आइडियल रीजनरेशन में होता क्या है, हम जो ये स्टीम जाती है तो हम जो हीटर लगाते हैं तो हीटर को हम क्या करें टर्बाइन में ऐसे लगाएं कि हमारा कम से कम लॉस हो, कम से कम एनर्जी वेस्टेज हो। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम हीटर को टर्बाइन के अंदर ही लगा दें, लेकिन हम इसको टर्बाइन के अंदर नहीं लगाते हैं, इसको हम टर्बाइन के बाहर लगाते हैं यहाँ पे, तो कुछ लॉस होता है। तो ये हमारा आइडियल नहीं है, हमारा एक्चुअल रीजनरेशन कहलाता है। तो देखते हैं इसको, ये हमारा दो तरह से होता है। पहला जो हमारा होता है ओपन फीड वाटर हीटर एंड दूसरा क्लोज फीड वाटर हीटर। तो दोनों को देखते हैं।
सो हम यहाँ पे पहले केस की बात करते हैं, ओपन फीड वाटर हीटर। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे जो टरबाइन से स्टीम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो फीड वाटर होता है उनकी यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है। मिक्सिंग मीन्स हम उन दोनों को मिला देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब हम अगर हम उनको मिक्स करेंगे तो हमको दोनों के प्रेशर को सेम लाना पड़ता है। सेम प्रेशर लाएंगे तभी उनकी मिक्सिंग होगी। अगर हम विदाउट सेम प्रेशर करेंगे तो होगा क्या, हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। वो मिक्स तो हो जाएंगे लेकिन लॉस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, हम उनका प्रेशर सेम करते हैं। इसको समझते हैं स्ट्रक्चर डायग्राम से। तो ये हमारा बॉयलर होता है पहले, देन हमारी यहाँ पे टर्बाइन होती है, एंड देन कंडेंसर होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से हम देखिए, पहले मान लेते हैं हमारी एक यूनिट यहाँ से जा रही थी। एक यूनिट का टोटल हमारा जो मास रेट है 1 kg/s है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 kg का एक्सपेंशन कुछ प्रेशर तक तो पूरा होगा, लेकिन कुछ प्रेशर के बाद हम 1 kg में से 1 kg का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। किस पर्पज़ के लिए, फीड वाटर को हीट करने के लिए। तो इसका हम एक्सट्रैक्शन कर लिए और यहाँ पे जो अब बाकी जो हमारा एक्सपेंशन होगा कितने का होगा, 1 - y का होगा। 1 - y का एक्सपेंशन होगा यहाँ से यहाँ तक, एंड ये हमारे कंडेंसर में जाएगी। अब ये हमारा ओपन फीड वाटर का टाइप का है, तो यहाँ पे हमारी मिक्सिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा ओपन फीड वाटर हीटर लगा होगा, तो हमको हमारी जब मिक्सिंग होनी है तो जो ये प्रेशर होगा वाई का, तो उस प्रेशर के बराबर इसको हमको करना पड़ेगा। अभी देखें, इसका प्रेशर ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक्सपेंशन हम इसको टर्बाइन से ला रहे हैं और इसका प्रेशर कंडेंसर प्रेशर के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पंप लगा देंगे। ये पंप क्या करेगा, जितना भी इसका प्रेशर होगा उतना इसका प्रेशर कर देगा। तो इसको हम फिर फीड वाटर हीटर में भेज देंगे। तो ये फीड वाटर हीटर में जाएगा एंड दोनों की मिक्सिंग होगी, एंड यहाँ से जो भी मिक्सर निकलेगा इसको हम फिर से पंप लगाएंगे एंड इसके प्रेशर को हम बॉयलर के प्रेशर के इक्वल करेंगे एंड इसको बॉयलर में सेंड कर देंगे। तो ये जो होता है क्या होता है, फीड वाटर हीटर होता है ये फीड वाटर। ये हमारा पहला पंप हो गया। यहाँ पे पंप 2 लगाने पड़ते हैं हमको। अब देखें, यहाँ से वाई आ रहा है, यहाँ से 1 - y आ रहा है। तो यहाँ पे जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 1 ही निकलेगा। सिंपल सा है, यहाँ से हमने y निकाला, यहाँ से 1 - y आ रहा था, तो दोनों मिक्स होंगे यहाँ पे, ये 1 ही निकलेगा। अब प्रेशर जो हमारा होगा वो y के प्रेशर के बराबर यहाँ पे होगा एंड यहाँ के बाद ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ क्या होता है, जैसे ये ओपन फीड वाटर होता है तो यहाँ पे हमारे कुछ एयर भी आ जाती है, तो एयर को निकालने के लिए हम डीएरेटर लगाते हैं। डीएरेटर बात करेंगे हम आगे, तो इतना भी जाने, यहाँ पे हम डीएरेटर लगाते हैं। वो उसका काम क्या होता है, एयर को रिमूव करना। अब जैसे हमको यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करना हो, इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, बाकी तो हमारा पूरा सर्किट सेम ही है। यहाँ से हमारा वाई आता है, यहाँ से 1 - y और यहाँ से 1 निकलता है। ये हमारा क्या है, ओपन फीड वाटर हीटर है। हमने केवल इतना पार्ट यहाँ पे लिख लिया। अब देखें, जो ये हमारा 1 - y आता है, इसकी हम कुछ एंथैल्पी मान लेते हैं, कितनी है कुछ भी मान लें। इसका पहले हम टीएस डायग्राम बना लेते हैं। टीएस डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये हमारा डोम हो गया। हमको क्या करना है, कोई सा केस ले लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, सुपर हीटिंग का। तो ये हम सुपर हीटिंग किए, यहाँ से हमारा पूरा एक्सपेंशन होता है, कहाँ तक, यहाँ तक पूरा एक्सपेंशन होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या था, 1 यूनिट जा रही थी। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे तो हमारा वाई पार्ट इधर चला जाएगा एंड 1 - y पार्ट का अभी भी एक्सपेंशन होगा यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, कंडेंसर आएगा हमारा, तो ये कंडेंसर के बाद ये लिक्विड में ये गया। अब होगा क्या, यहाँ पे जो वाटर होगा उसको हम मिक्सिंग कराएंगे ओपन फीड वाटर हीटर में।
उसके लिए हमको क्या करना है, जो भी इस स्टीम का प्रेशर होगा उसको, जो भी इस स्टीम का प्रेशर होगा तो इस वाटर को हम इसके प्रेशर के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम पंप लगाएंगे, देखें हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, जो ये वाई पॉइंट है ये यहाँ पे है एंड जो ये पॉइंट है वो यहाँ पे है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पंप लगाएंगे और पंप का प्रेशर कितना करेंगे, इसके बराबर, इसके बराबर। तो इसको हम ले जाते हैं ये एंड इसका प्रेशर बना देते हैं, ये इसकी प्रेशर की लाइन बन गई। अब क्या करेंगे, इसके प्रेशर को हम इसके इक्वल कर देंगे, यहाँ पे ये हो गया। ये जो पॉइंट जो हमारा फीड वाला था, इसका प्रेशर हमने यहाँ तक पहुँचाया और ये जो था हमारा ये यहाँ पे आ रहा था। तो अब ये एंड ये मिलेंगे तो इनका क्या होगा, इनका जो प्रेशर होगा वो तो सेम रहेगा, इतना रहेगा एंड इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये करीब यहाँ पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, देखें मैं यहाँ पर पॉइंट भी दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा इजी होगा। तो हमारा जो पॉइंट है इसको वन मान लेते हैं, इसको टू मान लेते हैं, इसको थ्री मान लेते हैं, ये फोर मान लेते हैं, ये फाइव मान लेते हैं, इसको सिक्स मान लेते हैं। तो अगर हमको यहाँ पे दिखाना है तो जहाँ पे टर्बाइन के पहले पॉइंट हमारा क्या है, ये वन पॉइंट है एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट टू रहेगा, यहाँ पे टू पॉइंट रहेगा। देन अपटेक टर्बाइन यहाँ पे थ्री पॉइंट रहेगा एंड अपटेक कंडेंसर यहाँ पे फोर पॉइंट रहेगा। देन ये फाइव टू सिक्स बन जाएगा एंड ये टू टू सिक्स बन जाएगा। तो यहाँ भी हमारा ये पॉइंट टू ही है, तो ये टू एंड ये पॉइंट हमारा फाइव, देखिए ये फाइव है ये टू है, तो फाइव एंड टू के बाद हमारा पॉइंट नेक्स्ट सिक्स बन जाएगा। तो ये टू था ये फाइव था, तो ये और ये मिले तो ये हमारा सिक्स पॉइंट बना, तो ये यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम फिर से प्रेशर करेंगे, फिर से हमने पंप लगाया है, पंप ये क्या करेगा, बॉयलर प्रेशर की इक्वल करेगा। तो हमने ये फिर से प्रेशर लगाया तो इसका प्रेशर कितना होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा पॉइंट नेक्स्ट कौन सा, सेवन। तो हमारा पॉइंट कौन सा आएगा, ये सेवन। तो ये हमने TS डायग्राम बना किसका, ओपन फीड वाटर हीटर जब लगा देते हैं रैंकिन साइकिल में, यहाँ पे जो मास फ्लो रेट होगा वन माइनस वाई का होगा। अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं इसको एक बार फिर से बताता हूँ। देखें बॉयलर में हमारा फीड वाटर हीटर जाता है, देन ये टर्बाइन में जाएगा, टर्बाइन से हम कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे एंड कुछ पॉइंट हमारा एक्सपेंशन होता रहेगा। जो एक्सपेंशन वाला पार्ट है ये फिर कंडेंसर में जाएगा एंड ये जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था ये फीड वाटर हीटर में जाएगा। अब इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, देखिए यहाँ पे ये ज़्यादा प्रेशर है, इसका प्रेशर ज़्यादा है और जो कंडेंसर से निकलता है इसका प्रेशर कम है। ये फोर पॉइंट है एंड ये टू पॉइंट है, तो फोर एंड टू। तो अब फोर के प्रेशर को हम टू के प्रेशर के इक्वल बनाएंगे, तो हमने ये फोर के प्रेशर को टू के प्रेशर के इक्वल बना दिया, टू के प्रेशर के इक्वल हमने बना दिया। तो ये हमारा फाइव बन गया एंड टू एंड फाइव है, एंड टू यहाँ पे टू है यहाँ पे फाइव है, तो टू और फाइव की हमको मिक्सिंग करानी है। तो जब मिक्सिंग कराएंगे तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये सिक्स बन जाएगा। तो देखें टू एंड फाइव की हमने मिक्सिंग करा दी है, सिक्स बन गया। और नेक्स्ट क्या होगा, हम इसका प्रेशर बॉयलर प्रेशर के इक्वल करेंगे तो हम पंप लगाएंगे। तो ये हमने पंप लगाया, तो जब पंप लगाया तो ये इसका प्रेशर बॉयलर प्रेशर के इक्वल हो गया, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो सिंपल सा है। अब देखें हम इसमें बैलेंसिंग करते हैं, जो हमारा पॉइंट टू है यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन किया था, मान लेते हैं इसका मास एम टू है एंड जो ये मास तो हमारा, हम यहाँ पे फाइव की मिक्सिंग करा रहे थे, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा मास एम फाइव है एंड जो ये निकल रहा है ये मास एम सिक्स है। तो हम अगर मास बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, एम सिक्स इक्वल टू एम टू प्लस एम फाइव, ये पहला रिलेशन बना। अब मान लेते हैं यहाँ पे एंथैल्पी हमारी एच टू है, यहाँ पे एच फाइव है और यहाँ पे S6 है, तो क्या होगा M6 S6 इक्वल टू एम टू एच टू प्लस एम फाइव एच फाइव। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, केवल बैलेंसिंग कर दी है, यहाँ की जो टोटल एंथैल्पी होगी प्लस यहाँ की एंथैल्पी इक्वल टू यहाँ की एंथैल्पी।
जैसे अगर हमने ये वन यूनिट की बात करते हैं तो हम ये वन यूनिट की बात करेंगे तो ये एस सिक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस टू इंटू वन माइनस वाई प्लस वाई इंटू एच फाइव। तो कुछ भी लिखिए इसको, केवल बैलेंस कर देना है। अब जैसे अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करें, अगर आपको ओपन फीड वाटर हीटर दे रखा है आप ये टी एच डायग्राम बनाएं पहले। ये टी एच डायग्राम बनाने के बाद आप ये वाला फिगर बना लें, आपको पूरा फिगर नहीं बनाना स्ट्रक्चर डायग्राम, आप केवल ये फिगर बना लें। यहाँ पे टू पॉइंट हमारा यहाँ पे रहेगा जहाँ से एक्सट्रैक्शन होता है, फाइव पॉइंट यहाँ पे रहेगा जब हम प्रेशर लगा के टू के प्रेशर के इक्वल करते हैं, एंड सिक्स हमारा ये मिक्स वाला पॉइंट रहेगा। और ये इक्वेशन से हम जो भी चीज़ें हमको नहीं दी होंगी, हमको हो सकता है यही हमको सिक्स की एंथैल्पी नहीं दी होगी, तो हम सिक्स की एंथैल्पी यहाँ से निकाल लेंगे। सो अगर हमको टोटल चीज़ें निकालनी है तो उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हमको डब्ल्यू टी निकालना है तो डब्ल्यू टी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ तक तो एक्सपेंशन पूरे का हो रहा था, तो अगर हमारा टोटल मास कितना है वन मान लेते हैं, वाई का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, एच वन माइनस एच टू, यहाँ तक तो हमारा पूरा एक्सपेंशन हुआ। इसके बाद हमने वाई को यहाँ से निकाल लिया, केवल वन माइनस वाई का एक्सपेंशन किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, वन माइनस वाई इंटू एच टू माइनस एच थ्री, ये हमारा क्या आएगा, टोटल टर्बाइन वर्क आएगा। अगर हम बात करें पंप वर्क की तो पंप वर्क कितना आएगा, यहाँ पे देखें केवल वन माइनस वाई ही है हमारा मास फ्लो रेट, तो वन माइनस वाई इंटू एच फाइव माइनस एच फोर प्लस, यहाँ पे हमारा टोटल कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाई एंड वन माइनस वाई मिले तो ये वन बन गया, तो ये बनेगा क्या, एस सेवन माइनस एस सिक्स, तो टोटल पंप वर्क हमारा इतना आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें हीट सप्लाइड की तो हीट सप्लाइड कितनी हो जाएगी, एच वन माइनस एच सेवन, हमारी हीट सप्लाइड केवल इतनी ही रहेगी। सो ये चीज़ें हैं, अगर आप न्यूमेरिकल कभी फंसते हैं तो आप इनका यूज करें। अब हो सकता है अगर आपको यहाँ पे जैसे एस सिक्स का यूज़ किया है हमने, एस सेवन का यूज़ किया है, तो हो सकता है आपको ये वैल्यू ना दी हो, एस सेवन की वैल्यू आपको नहीं पता होगी, आप क्या करेंगे पहले एस सिक्स निकालेंगे। एस सिक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, एस सिक्स निकालने के बाद आप उसमें पंप वर्क जोड़ेंगे। अगर पंप वर्क नहीं निकालने के तरीके दिए आपको तो क्या करें, आप एस सिक्स को ही एस सेवन मान लें। सो ये हमारा ओपन फीड वाटर हीटर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज फीड वाटर हीटर के बारे में। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लोज फीड वाटर हीटर के बारे में। हमने क्या देखा, ओपन फीड वाटर में हम स्टीम एक्सट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उसकी मिक्सिंग हम करा देते हैं फीड वाटर में जो कंडेंसर से आ रहा होता है। यहाँ पे हम मिक्सिंग नहीं कराएंगे, जो भी स्टीम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें हम एक ऐसा हीट एक्सचेंजर लगाएंगे कि उसकी मिक्सिंग ना होने पाए। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, दोनों के जो प्रेशर जो हम पहले पंप लगा रहे थे तो दोनों के प्रेशर हम इक्वल कर रहे थे, तो यहाँ पे हमको प्रेशर इक्वल नहीं करना पड़ेगा। अगर मिक्सिंग नहीं हो रही तो हमको डिफरेंट प्रेशर में भी हम हीट एक्सचेंज करा सकते हैं। देखते हैं इसको हम स्ट्रक्चर डायग्राम से। तो ये हमारा बॉयलर हुआ, देन हमारा ये टरबाइन एंड ये कंडेंसर हुआ। अब देखिए हमको यहाँ पे मिक्सिंग नहीं करानी है, तो मिक्सिंग नहीं करानी तो यहाँ से हम कुछ एक्सट्रैक्शन कर लिए, फिर से हम वही y करते हैं, यहाँ से 1 माइनस y जाएगा, टोटल 1 यूनिट था। यहाँ पे हमने क्लोज फीड वाटर हीटर लगा दिया है। अब हमको इसके प्रेशर के बराबर नहीं करना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसी प्रेशर पर करा दें या तो हम डायरेक्ट इसको बॉयलर प्रेशर तक पहुँचा दें। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पंप लगाते हैं और इसको बॉयलर प्रेशर ही तक ही पहुँचा देते हैं। तो ये बॉयलर प्रेशर तक पहुँचा दिए एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे। अब क्या होगा, इनकी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होगी, इसको एक अच्छे से बना देते हैं, इसको कुछ हम इस तरह से बनाएं ज़्यादा सही रहेगा। ये यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये हमारा ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा एंड ये पॉइंट यूँ जाएगा। सो देखें ये जो हमारा y पार्ट आ रहा था, इसकी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं करवाई हमने, इसको डायरेक्ट निकाल दिए एंड इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचा दिए। अब इसका प्रेशर हमने क्या किया है, बॉयलर प्रेशर के इक्वल ही कर दिया है एंड जो y का प्रेशर था वो सेम यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, इस पर हम पंप लगाएंगे
एंड पंप लगा के इसका प्रेशर भी हम बॉयलर प्रेशर के इक्वल करेंगे एंड ये तो पहले से हमारा बॉयलर प्रेशर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक मिक्सिंग चैम्बर लगा देंगे। मिक्सिंग चैम्बर में ये दोनों मिक्स होंगे और मिक्स होने के बाद इसको हम बॉयलर में सेंड कर देंगे। देखें डिफरेंस क्या है, हमने क्या किया पिछले केस में, हमको ये प्रेशर एंड ये प्रेशर को इक्वल करना था, ये प्रेशर एंड इस प्रेशर को, तो हम वहाँ पे इक्वल करने के लिए इसके प्रेशर को हम स्टीम के प्रेशर के इक्वल करते थे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको बॉयलर के प्रेशर के इक्वल किया एंड इसको हम क्लोज्ड एंड इसको हम क्लोज्ड फीड वाटर हीटर में सेंड किए। अब इसका प्रेशर सेम रहेगा बॉयलर प्रेशर के इक्वल एंड इसका प्रेशर जो पहले था वही रहेगा, तो अब क्या करेंगे जो इसका प्रेशर था इसको हम बॉयलर प्रेशर के इक्वल करेंगे। यहाँ पे बॉयलर प्रेशर के इक्वल हुआ एंड इन दोनों की मिक्सिंग करा देंगे। इन दोनों की मिक्सिंग हुई तो यहाँ पे हमारा जब इसकी मिक्सिंग हो जाती है इसको हम बॉयलर में सेंड कर देते हैं, तो ये हमारा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर होता है। इसको अगर हम टीएच डायग्राम से बनाएं तो पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले हमारा यहाँ क्या था, ये टर्बाइन का इनलेट हुआ, ये हम इसका एक्सपेंशन करवा रहे हैं, देन कंडेंसर हीट रिजेक्शन। अब देखें यहाँ से हमने क्या किया एक्सट्रैक्शन करा दिया जैसे हमने पिछले गैस में यहाँ से किया था। अब अगर मान लें हम यहाँ से करा देते हैं एक्सट्रैक्शन कुछ इस पॉइंट से, तो अब क्या होगा यहाँ पे देखिए आप एक गलती करते हैं लड़के, इसको सीधा लाइन बना देते हैं, ये सीधी लाइन नहीं जाएगी, ये ऐसे ही आएगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन होती है, ये यू ही आएगी। ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो यहाँ से हमारा कितना आता है वन माइनस वाई आता है। अब इसका प्रेशर हम डायरेक्ट बॉयलर प्रेशर के इक्वल कर सकते हैं, तो पहले हम बॉयलर प्रेशर बना लेते हैं। बॉयलर प्रेशर की लाइन मान लेते हैं कौन सी है, ये हमारी बॉयलर प्रेशर की लाइन है ये मान लेते हैं। तो देखें हम इसका प्रेशर पहले बॉयलर प्रेशर के इक्वल कर दिए, ये बॉयलर प्रेशर के इक्वल हमारा ये प्रेशर हो गया, इसका प्रेशर सेम रहेगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा थ्री है, ये फोर है एंड ये फाइव है। अब क्या करना है टू एंड फाइव की मिक्सिंग करनी है, तो टू हमारा यहाँ पे फाइव यहाँ पे, तो जब मिक्सिंग करेंगे तो इसका टेम्परेचर कम होगा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो ये कुछ यहाँ पे यू पहुँच गया एंड ये यहाँ पे फाइव पे था, तो ये फाइव से कहाँ पे पहुँच गया सिक्स पे पहुँच गया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया एंड इसका टेम्परेचर ये यहाँ पे पहुँच गया। अब क्या करेंगे जो ये प्रेशर है इसको हम बॉयलर प्रेशर में बल ले जाएंगे, तो बॉयलर प्रेशर में ले जाएंगे तो ये बॉयलर प्रेशर में ये ले गए, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट सेवन, इसको एट मान लेते हैं। तो हम अब ये दोनों बॉयलर प्रेशर में हो गए हैं, यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, इन दोनों की हम मिक्सिंग कराएंगे सिक्स एंड एट की, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका टेम्परेचर कम है, प्रेशर तो दोनों का सेम ही है, तो सिक्स एट की मिक्सिंग होती है हमारा टोटल, कहीं बीच का पॉइंट आएगा क्या नाइन, कहीं भी आ सकता है ये नाइन पॉइंट बीच में ही आएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है इसका कम है, प्रेशर दोनों का सेम है, तो जब मिक्सिंग कराएंगे तो कुछ बीच का पॉइंट नाइन बनेगा। तो ये हमारा क्लोज्ड फीड वाटर सिस्टम हुआ। अब इस पॉइंट को हम इस पे दिखा देते हैं, तो टर्बाइन के इनलेट में वन है, देन यहाँ पे पॉइंट टू पे हम एक्सट्रैक्शन कराए एंड थ्री पे कंडेंसर से निकला। अब थ्री के प्रेशर को हम क्या किए, सॉरी ये थ्री यहाँ पे हुआ, देन फोर पे कंडेंसर से निकला, ये हमारा फोर हुआ, देन अब फोर को हम बॉयलर प्रेशर के इक्वल किए, देखिए फोर को हम बॉयलर प्रेशर में ले गए तो ये हमारा फाइव बना। अब क्या करेंगे टू एंड फाइव में हीट एक्सचेंज कराएंगे, ये टू है ये फाइव है, ये टू है ये फाइव है, इनके इनमें हम हीट एक्सचेंज कराएंगे, तो फाइव की हीट जब फाइव ये हीट लेता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है सिक्स में पहुँच जाता है, और जो टू है ये हीट रिजेक्ट करता है तो ये कहाँ पहुँच जाता है सेवन में, तो ये हमारा सेवन में पहुँच गया। देन हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको बॉयलर प्रेशर के इक्वल करते हैं तो ये सेवन से एट पहुंच जाता, तो ये सेवन से एट पहुंच गया है। देखिए ये सिक्स पॉइंट ये है एट पॉइंट ये है, अब सिक्स एंड एट की मिक्सिंग कराते हैं यहाँ पे तो ये हमारा पॉइंट नाइन पहुंच जाता, तो ये हमारा नाइन बन गया।
N9 के बाद ये फिर से हमारा बॉयलर में जाएगा, बॉयलर से फिर हमारी साइकिल चलती रहेगी। होप ये आपको समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखें हम यहाँ पे हैं टरबाइन इनलेट पे, ये टरबाइन इनलेट पे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक्सटेंशन करा रहे हैं ये कर जा रहे हैं हम टू में पहुँचे, तो टू से हम क्या किए, कुछ पार्ट हम एक्सट्रैक्ट कर लिए, कितना किए वाई पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिए, बाकी जो पार्ट बचा था उसका एक्सपेंशन 1-y के कराते रहे, ये हमारा एक्सपेंशन होते रहा, हम पहुँचे कहाँ पे 3 पॉइंट पे। अब क्या किए, यहाँ पे हम कंडेंसर लगाए, कंडेंसर से जो हमारी हीट रिजेक्ट हुई उससे हमारा टेम्परेचर 4 पे पहुँच गया, कंडेंसर से जो हमारा 3 पॉइंट था ये 4 पे पहुँच गया। अब क्या करें, हमारा ये यहाँ पे हमारी मिक्सिंग नहीं होनी है तो प्रेशर सेम करने का मतलब नहीं, तो हम यहाँ पे पंप लगाएंगे ही, लेकिन हम इस वक्त क्या करेंगे, 4 के प्रेशर को हम डायरेक्ट बॉयलर प्रेशर के इक्वल कर देंगे, तो 4 के प्रेशर को हम डायरेक्ट बॉयलर प्रेशर के इक्वल किए, तो ये हमारा 0.5 में पहुँच गया, ये हमारा 0.2 में ही है अभी, ये हमारा 5 में पहुँच गया। अब क्या करेंगे, 2 और 5 में हीट एक्सचेंज कराएंगे, 2 और 5 में हीट एक्सचेंज कराएंगे, तो देखिए ये 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो हीट एक्सचेंज होगा, तो ये 5 जो था ये इसको हीट गेन होगा, तो ये 5 से 6 में पहुंच गया, और ये 2 था तो हीट रिजेक्ट करेगा, तो 2 से 7 में पहुंच गया, तो ये 2 से 7 में पहुंच गया, एंड ये 5 से 6 में पहुंच गया, ये 5 से 6 एंड ये 2 से 7 में पहुंच गया, तो ये जो है हमारा 6 यहाँ पे, इसका प्रेशर तो बॉयलर प्रेशर के इक्वल ही है, लेकिन जो 7 है इसका प्रेशर किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे पंप लगाएंगे, पंप लगाने के बाद इसका प्रेशर बॉयलर प्रेशर के इक्वल करेंगे, तो ये हमारा जब इक्वल किए तो ये 8 में पहुँच गया। अब 6 और 8 की मिक्सिंग कराएंगे, 6 और 8 की मिक्सिंग कराएंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। 9 क्यों बनेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है इसका ज़्यादा है, तो ये रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। तो ये हमारा क्लोज्ड फीड वाटर हीटर सिस्टम होता है। इसका एक दो बार इसको आप खुद से करके देखें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे y था तो यहाँ से क्या निकलेगा, y ही निकलेगा। यहाँ पे कितना था 1-y, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1-y ही निकलेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हम मिक्सिंग नहीं करा रहे हैं। अब जब भी आपको क्वेश्चन में आता है तो आप क्या करेंगे, आपको TH डायग्राम तो ये सेम बनाना ही है, इसके अलावा आप क्लोज्ड फीड वाटर सिस्टम यहाँ पे बना दें। सो ये सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होता है कौन सा होता है, 5, एंड यहाँ पे हमारा पॉइंट 2 होता है, इनकी मिक्सिंग नहीं होती इसलिए हम कुछ इसको यूं बनाएंगे, 5 के बाद ये वहाँ पहुँचता है 6 पे, एंड ये पहुँचता है 7 पे। तो क्लोज फीड वाटर सिस्टम कुछ इस तरह काम करता है। अब इस पर भी हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या होता है हमारा 1-y, यहाँ पे हमारा y होता है। तो अगर मास की बात करें तो यहाँ पे मास हमारा सेम निकलता है, कितना 1-y, यहाँ पे y ही निकलता है। अगर हम बात करें एंथैल्पी की, तो अगर हम मास के टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, m2+m5=m6+m7, ये मास का इक्वेशन हो गया, तो सेम ही रहना है। नेक्स्ट क्या होगा, m2h2+m2m5h5=m6h6+m7s7, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनता है। मीन्स एंथैल्पी बैलेंस कर देना, मास बैलेंस कर देना, अगर हमको कोई पॉइंट निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ हमारी बन जाती है। अगर हमको यूनिट टर्म दे रखा है वाई के टर्म में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1-y h5+y h2=1-y h6+y h7, जो निकल रहे हैं इसमें से वही रिजल्ट देख के हम लिख रहे हैं। सो ये हमारा सेकंड केस था क्लोज फीड वाटर हीटर का। इसके कंक्लूजन क्या होते हैं हम एक बार वो भी देख लेते हैं। तो पहली चीज़ में क्या होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज करती है। एफिशिएंसी इंक्रीज क्यों करती है, क्योंकि हीट रेट डिक्रीज होता है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ की बात करें तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ मास अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया,
तो हमारा जो टोटल वर्क आउटपुट होगा डिक्रीज होगा, मींस डब्ल्यू नेट डिक्रीज होगा। थर्ड चीज, अगर हमको सेम वर्क नेट चाहिए तो हम क्या करें, हमको थोड़ा मास फ्लो रेट और भेजना पड़ेगा। जैसे पहले हम 1 भेज रहे थे तो अब हमको थोड़ा और भेजना पड़ेगा जिससे हम कुछ स्टार्ट करें उसका इफेक्ट ना पड़ने पाए। तो नेक्स्ट क्या होगा, फॉर सेम डब्ल्यू नेट मास फ्लो रेट इंक्रीजेस, ये हमारा थर्ड पॉइंट हुआ। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे देखें कुछ हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया था, अब हमारा कंडेंसर से 1 माइनस वाई पार्ट ही जा रहा है, मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ कंडेंसर रिड्यूसेस। अब कंडेंसर जो हमको पहले बड़ा लग रहा था अब कम लगेगा, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सो ये कुछ कंक्लूजन है रिजनरेशन के। नेक्स्ट इसमें हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमारा रैंकाइन साइकिल एंड हो जाएगा।